एवेंडिस के को सीईओ हमारे साथ जुड़ रहे हैं वैभव सांघवी, इटिनाओ के बहुत पुराने दोस्त और कंट्रीब्यूटर हैं। इटिनाओ स्वदेश पे भी आपका स्वागत है वैभव। आप कैसे देख रहे हैं इस समय मार्केट का सेटअप, जो एलिमेंट्स फ्लो कर रहे हैं? सो अजय, आई थिंक हमने 15,200 15,300 के करीबन से इनके लो से 17,400 के करीबन के लेवल को देखा है निफ्टी पे, और वो काफी अच्छी रिकवरी है नीचे के लेवल से। उसका मुख्य कारण भी हमें आकलन करना चाहिए, क्योंकि वो ही डिपेंडेंट करेगा कि आगे जाके बाजार का रुख किस बाजू बैठेगा। वन के ऐसी संभावना है और ऐसी अपेक्षा है कि ग्लोबली जो फेड है वो आई थिंक का पिवोट प्रॉबेबली 2 महीने या 3 महीने में आ जाएगा। माने कि जब जो एग्रेसिव रेट हाइक्स फेड कर रही थी, अब वो बोल रहे हैं कि वो डेटा डिपेंडेंट हो गए, राइट? तो उसके कारण ग्लोबली एक ऐसा व्यू लिया गया है कि फेड थम्बेगा, इन्फ्लेशन नंबर्स थोड़े कूल ऑफ होंगे और उसके बाद थोड़ी रिस्क ऑन रैली चालू होगी। और उसी के कारण हम देखें कि लास्ट 15 दिन से या 15-20 दिन से हमारे FI फ्लोज जो थे वो काफी जो नेगेटिव चल रहे थे लास्ट 10 महीने से, वो थोड़े कम हुए हैं और इनफैक्ट थोड़े पॉजिटिव भी FI फ्लोज आ गए हैं। तो उसी के कारण अच्छी अपनी रिकवरी देखने को मिली है। हैविंग सेड दैट, कल हमने फेड के स्टेटमेंट्स देखे गवर्नर्स के, सेइंग दैट के इतना एंटिसिपेट नहीं करिए आप, तो इतना जल्दी से पिवट नहीं होना है। हमें फिर भी इन्फ्लेशन नंबर्स को डिक्रीज करते देखना है और फिर ही हम एक्ट करेंगे, उसके पहले हम डविश नहीं बनेंगे। सो ये आकलन वहां से आया है और इसी के कारण मध्य चलते हुए थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा करेक्ट हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। वैभव, बाजार में हम इस समय बात कर रहे हैं जब अभी पॉलिसी भी आ रही है और बाजार की ये अपेक्षा ये है कि 35 से 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आएगा, लेकिन वो तो प्राइस्ड इन है। इनफैक्ट गोइंग इनटू द पॉलिसी हमने देखा लास्ट 4-5 दिनों में इधर यूएस बॉन्ड अपनी इंडियन बॉन्ड यील्ड घटी, उधर यूएस ही बॉन्ड यील्ड घटती चली जा रही हैं। आप कैसी कॉमेंट्री की उम्मीद करते हैं ग्रोथ पे, इन्फ्लेशन पे इस बार गवर्नर साहब से? हमें लगता है कि ग्रोथ के फोरकास्ट पॉसिबिलिटी है कि थोड़े टेपर हो सकते हैं, क्योंकि ग्लोबली ग्रोथ के फोरकास्ट कम हो रहे हैं, तो उसी उसका असर थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं हमें डेफिनेटली होगा। दूसरा है फ्रॉम एन इन्फ्लेशन परस्पेक्टिव, इन्फ्लेशन थोड़ी बेटर हो सकती है, क्योंकि हम देखेंगे कमोडिटी प्राइजेस स्पेशली जो मेटल प्राइजेस आप देखते हैं वो काफी करेक्ट हुए हैं ऊपर के लेवल से। थर्डली उनका फोकस का INR रहेगा, जिस हिसाब से हमें लगता है कि जो INR को वेरी वो कम वोलेटाइल करे, हमें लगता है कि उसके लिए भी थोड़े मेजर्स लिए जाएंगे। एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, करेंसी इनफ्लो को बढ़ावा दिया जाएगा। सो उस जनरल कॉन्टूर में हमें लगता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में भी हायर इंटरेस्ट रेट्स की संभावना हो सकती है। सो 35 से 50 बेसिस पॉइंट जैसे आपने कहा, वो फुल्ली पॉसिबल है। ठीक है, ऑल राइट, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून वैभव। 35 से 50 पॉइंट BPS शायद बाजार में बहुत हद तक फैक्टर इन भी है ये रेट हाइक, लेकिन ये जो अभी थोड़ी देर पहले अजय भी टच बेस कर रहे थे कि इस वक्त आप ऑटो स्टॉक्स में मेजरली मारुति और टाटा मोटर्स को देखें, वहाँ 3-3% का डेंट है। हालांकि अभी सेक्टोरियल सारे ही आज इंडेक्स रेट में है, लेकिन ताइवान को अगर नेचुरल सैंड नहीं मिलती, क्योंकि काफ़ी डिपेंडेंस रहेगी ताइवान की, उनकी जो चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, आपको कितना बड़ा डेंट लगता है? आपको लगता है कि फिर से सेमी कंडक्टर शॉर्टेज जो एक बड़ा मैटर रहा है, जो बड़ा एक कंसर्न रहा है ऑटो सेक्टर के लिए, वी कैन अगेन बी बैक टू द वुड्स? सर, नहीं, सही बात है भैया। आई थिंक लास्ट ईयर हमने देखा कि सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स के कारण काफी कंपनियों के अर्निंग्स में काफी इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि वो वॉल्यूम प्रोडक्शन नहीं कर सक रहे हैं। इस हालांकि ये फर्स्ट हाफ में चिप की सप्लाई इंप्रूव हुई है, पर अगर ऐसे कोई मेजर्स आते हैं तो हमें क्लोजली वॉच करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा कि वेदर वो सब्सिक्वेंट प्रोडक्शन में कोई इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं। अभी इट विल बी टू अर्ली टू प्रीएम्प्ट के सभी एक ही दिन में सब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक ध्यान हमें ये भी रखना चाहिए कि फ्रॉम एन ऑटो सेक्टर परस्पेक्टिव कि इनहेरेंट डिमांड बहुत ही अच्छी है। हम देख रहे हैं बुकिंग के नंबर्स बहुत ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग बुकिंग नंबर्स आ रहे हैं। दूसरा कि जो मार्जिन प्रेशर अभी तक था हायर कमोडिटी प्राइजेस के, एलिवेटेड कमोडिटी प्राइजेस के, उनके बैलेंस उनके PNLs पे,
आई थिंक वो भी अबेट हो रहे हैं. सो यस, वन फैक्टर हैज टर्न्ड अदरवाइज, बट बाकी के दो फैक्टर्स आई थिंक पॉजिटिविटी के तरफ है और हमें लगता है उसके कारण अर्निंग नंबर्स भी रिवाइज होंगे गोइंग फॉरवर्ड. सो यस, देयर कैन बी टेम्पररी करेक्शन हो सकता है, बट अगर हम जैसे ही देखें कि वो चिप सप्लाई में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी तो ये इक्वली फास्ट रिकवर भी हो सकते हैं फ्रॉम द लो लेवल्स. बिल्कुल. गुड आफ्टरनून. जहां पर हम बाजार के लिए सेंटिमेंट्स देख रहे हैं, कई सारे ट्रिगर्स हैं. इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते जो बाजार पहुंचाने वाला है, वन सच लाइक मॉनेटरी पॉलिसी के जो अनाउंसमेंट्स आते दिखेगी, अगेन ग्लोबल हम ट्रिगर्स भी कई सारे देख रहे हैं. लेकिन ऐसे में जो एक पॉजिटिव ट्रिगर आता हुआ दिखा है पिछले चार ट्रेडिंग सेशन से, FIIs की बाइंग. इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस में तो बाइंग के लेवल्स थे ही, लेकिन कैश मार्केट में पिछले चार सेशंस के इनफैक्ट अगर बात करें, 6,000 करोड़ तक की बाइंग FIIs की तरफ. सर, DIIs का तो सपोर्ट है ही, इन आंकड़ों को आप कैसे देख रहे हैं? ये डेफिनेटली हम पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव एंगल से देख रहे हैं. और ये भी हम कहते हैं कि जो नेचर ऑफ फ्लो आया है प्रोबेबली फॉर द लास्ट 10 डेज और 15 डेज, ये काफी मैक्रो फंड्स के थ्रू आया है. और जब मैक्रो फंड्स ग्लोबली देख रहे हैं कि इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ उनका थोड़ा एलोकेशन बढ़ेगा, डॉलर इंडेक्स जो 108 के करीबन था वो 105 के करीबन आ गया था, और यूएस ट्रेजरी जैसे अजय ने भी अर्लियर कहा कि 3.5% से 2.67% आ रहा था, तो एक ग्लोबली एक रिस्क ऑन का माहौल बन रहा था. और रिस्क ऑन के माहौल में इमर्जिंग मार्केट एक एसेट क्लास है जो यू नो रिस्क एसेट कहला जाता है. और जब इमर्जिंग मार्केट में इनफ्लो आता है तो इंडिया में डेफिनेटली नेचुरली 13% के करीबन के वेटेज के साथ इनफ्लो आता है. सो हमने जो भी फ्लोज देखे हैं वो टू अ ग्रेट एक्सटेंट वो मैक्रो फंड्स के हैं, पैसिव फ्लो है जो अभी तक आए हैं. अगर आप हमें पूछे कि एक्टिव फ्लो में ये ट्रांसलेट हुआ है, फिलहाल अभी तक इतनी एग्रेसिव नहीं देख रहे हैं, बट ये जो पैसिव है वो थोड़ा पॉसिबली है कि वो कंटिन्यू हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड. वैभव, अभी अभी बात करते वक्त एक खबर ये आई है कि कैबिनेट ने जो शुगर केन का प्राइस होता है उसमें बढ़ोतरी की मंजूरी दी है, एक तरफ. दूसरी तरफ ये कि जो अपनी शुगर कंपनीज हैं वो प्रोक्योर करती हैं, वो एक तरफ तो उससे शुगर बनती है, एक तरफ इथेनॉल बनाती है. हालांकि इथेनॉल के प्राइसेस में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है. आपको शुगर केन कंपनीज की बैलेंस शीट सिस्टम, शुगर कंपनीज की बैलेंस शीट कैसी नजर आ रही है इथेनॉल प्ले की वजह से, और जिस हिसाब से एफिशिएंसीज आ रही हैं, पावर कोजेन भी उनका एक साइड हो गया, एटलीस्ट बड़ी बड़ी कंपनियां. उसके बाद मैं प्रकाश को भी लेके आऊंगा, अपने कुलीग को दिल्ली से जो एक खबर लेके आए, बट शुगर स्पेस पे आपका कोई व्यू, एटलीस्ट द बिग वंस? See, I think sugar space is soft commodity और वो काफी cyclical business है. So अगर हम निवेश करने की बात करें, of course जो भी बदलाव हो रहा है structurally ethanol के you know के direction में, वो एक side climate, दूसरी side pollution और वो सब address करने के लिए और efficiencies भी create कर सकती हैं इन sugar companies में भी. But if you ask me कि cyclical company को हम कैसे value करें, तो हम कोई ज्यादा करके उस पे वैल्यू देना मुनासिब नहीं समझेंगे, क्योंकि वो साइक्लिकलिटी को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो जनरली वी अवॉइड दिस काइंड ऑफ साइक्लिकल सेक्टर्स. फेयर पॉइंट. स्पेशली एटलीस्ट द लोकल HNI ट्रेडर उस एरिया में काफी एक्टिव रहते हैं. मैं आपसे एक दो और चीजें बात करूंगा. कंजम्पशन स्टॉक्स, कल ब्रिटानिया के रिजल्ट हैं, फाइनेंशियल जो आपका फेवरेट रहा है बहुत समय से, और दूसरी में रूरल प्रिंट बहुत है, फुटप्रिंट डाबर का. जिस हिसाब से गोदरेज कंज्यूमर्स, HUL, आपकी कुछ और कंज्यूमर कंपनीज की वॉल्यूम ग्रोथ आई इस बार काफ़ी अच्छी, मार्जिन पे भी उन्होंने काफ़ी फाइट बैक किया, इन इस एरिया में आपका क्या रवैया है, व्हाट इज योर स्टांस हियर, और दूसरा वैल्यूएशंस कैसे नजर आते हैं? श्योर अजय जी, आई थिंक अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करें, लॉन्ग टर्म के लिए बात करें, लंबे समय के लिए निवेश की बात करें, तो हमें हम हमेशा कंज्यूमर कंपनी से बुलिश रहे हैं. हाँ, वैल्यूएशन दूसरी तरफ एट दिस पॉइंट इन टाइम, बट फ्रॉम अ बिजनेस परस्पेक्टिव जैसे जैसे कंपनियां न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हैं, प्रीमियमाइजेशन में जा रही हैं, और जिस हिसाब का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ बढ़ा रही है, हमें लगता है कि ये ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वैल्यू देंगी डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टर्स. हाउएवर,
साथ में हमको उनका शॉर्टर टर्म आकलन भी करना पड़ेगा कि कौन सी अच्छी प्राइस पे एंट्री या एग्जिट करे, प्योरली बिकॉज अगर हम रीसेंट पास में देखें तो उनके रॉ मटेरियल प्राइस पे काफी प्रेशर था। जैसे ही पाम ऑयल प्राइसेस नीचे आए हैं, हमने देखा कि काफी कंज्यूमर स्टेबल कंपनीज ने अच्छी रैली दी है नीचे से, और उसी के कारण वो शॉर्टर टर्म मूवमेंट हुआ है। एट दिस पॉइंट इन टाइम जैसे हम देख रहे हैं कि वैल्यूएशन हमें लगता है कि करीबन करीबन लॉन्गर टर्म एवरेज के थोड़े प्रीमियम पे भी चल रहे हैं, इन द लाइट के इकोनॉमी स्लो हो रही है, उसको डिफेंसिव कलर मिल सकता है और वैल्यूएशन इधर रह सकते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ से कोई बड़ा सा रिटर्न अगर शॉर्टर टर्म के लिए हम देखते हैं तो आई वुड नॉट गो इन दैट कैम्प, बट एज आई सेड लॉन्गर टर्म ये सभी कंपनियां बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, ऑल राइट। तो ये सारी कंजम्पशन कंपनीज पसंद आती हैं वैभव को। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव, आप समय देने के लिए और ये सारे इंसाइट्स हमारे व्यूअर्स तक शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, इट वॉज अ प्लेजेंट टॉकिंग टू यू।